वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी सेठी और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर साक्षी सेठी के व्लॉग्स। तो आज है रात में हमारी फ्लाइट, फ्लाइट नहीं है, बस है टू जर्मनी। और मेरी शक्ल देख के मेरी थकावट का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरा आखिरी ट्रिप है बाहर मार्केट में, क्योंकि कुछ ना कुछ शॉपिंग बच ही जाती है, कुछ ना कुछ लेने को याद आ जाता है। तो फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। अभी भी पूर्वित को लेने जाना है घर जाके, मतलब एक थोड़ा 5-10 मिनट रुक के फिर पूरी का टाइम हो जाएगा, स्कूल से पिक करना है। और यहाँ पे सूट के सारे रेडी पड़े हैं, चुन्नी मुन्नी सी पैकिंग अभी भी बची हुई है। लास्ट लॉट ऑफ कपड़े मैंने धो दिए हैं, और बस उसके बाद रूम भी साफ कर दिया। दिखा तो ये रूम तो हमारा एकदम क्लीन है, एकदम टाइडी है। बस थोड़ा जाने के टाइम वैक्यूम करूंगी, पीछे से वैक्यूम करना है, इसलिए ये जो साइड टेबल है मैंने हटा दी है। बाकी ये रूम पूरा क्लीन है। पूर्वित का रूम भी ऑलमोस्ट क्लीन है, उसके स्कूल से आज बुक्स आई थी तो मैं वो चेक कर रही थी। एक बार ही पूर्वित आ जाएगा घर, फिर इसको सॉर्ट कर देंगे कि इसका क्या करना है। तो ऑलमोस्ट पूरी का रूम भी, 5 मिनट का काम है एंड देन वो भी टाइडी अप हो जाएगा। मेन काम है यहाँ पर, अभी मैं जो सामान लाई हूँ वो ऐड करना है। और ये सब चीज़ें हैं जो मेरे को ये छोटू वाले सूटकेस में डालनी है। एंड टाइम की जो प्रिपरेशन है बस वही है ये। उसके बाद मैं लगूंगी किचन में लास्ट में। आई थिंक ये कपड़े भी जब तक सूख जाएंगे, नया लॉट डाला है जो, वो भी जब तक सूख जाएंगे। यहाँ पे मैंने इडली का जो बैटर है वो रेडी करके रखा है। पूर्वित ने कहा था आज उसको इडली और चटनी खानी है, तो शाम के टाइम पर वो खा लेगा और रात में डिनर बनाएंगे। लेकिन फिलहाल लंच का टाइम हो चुका है और साथ ही पूर्वित को लेकर आना है स्कूल से, उसको भी 15 मिनट ही है, तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं अपने लिए कुछ बना पाऊंगी अभी लंच। चलो ट्राई करते हैं, नहीं तो आज एक दिन है अभी, ये जाने वाला दिन ना ऐसे ही होता है, काम पे काम, काम पे काम होते हैं। किचन विचन सब बर्तन वर्तन धो के जाने हैं ताकि पीछे से स्मेल ना आए। ये मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ, तो मैं आपको पका रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में फिर से, अगर मैं कुछ नया एक्साइटिंग कर रही हूँ। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि आज पानी भी चला गया है बाहर, कोई पाइपलाइन चेंज हो रही है जिसके रीजन से पानी भी नहीं है। तो अभी नहाना है, खाना बनाना है, बिना पानी के कैसे होगा कुछ नहीं पता। चलो बहुत हो गया, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और पूरी को हमने उठा लिया है स्कूल से, पूरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, हम लोग सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हम एक्साइटेड है, एक्साइटेड है। अरे कहना क्या चाहते हो? फुटबॉल बता, पूर्वित को पिक कर लिया, घर गए, घर पे पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और अब भूख लगी है तो खाना पानी के बिना बन नहीं सकता। अब हम आए हैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक अवे करने, क्योंकि पूरी भी अभी स्कूल से आया है, ही इज़ ऑल्सो हंग्री, तो कुछ टेक अवे करेंगे। और एक बॉटल पानी भी ले लिया है फिलहाल, तो रात में उसी से कुकिंग करेंगे। बट पानी को भी एंड टाइम पे जाना था, क्या करें, थक गया। हम बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी लग रही है। और मैं अब खाने वाली हूँ खाना, मैं लाई हूँ राजमा चावल, पूरी ने लिया है शाही पनीर। अब हम 15-20 मिनट वो देखो, गर्मी है पर, और मम्मी ने मुझे इतना मोटा कपड़ा पहनाया है सुबह, एक्चुअली रेन, बारिश हो रही थी, फेर है या नहीं, तो एक्चुअली सुबह बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि इसको थोड़े मोटे कपड़े पहना देती हूँ कि बाहर जाना है फील्ड ट्रिप पे तो ठंड ना लगे। वो बेचारे को पूरा दिन इतनी गर्मी लगी, कह रहे मम्मा इतनी स्वेटिंग हो रही थी। चलो वो तो जो हुआ सो हुआ, फिलहाल करेंगे खाना, खाएंगे खाना, खा के ये कियोस अभी तक ये देखिए वैसे का वैसा है, इसको समेटेंगे। और ये भाई साहब अपना और एक गोल सेट ले आए हैं अब यहाँ पर।
इसी के साथ खाना वाना खाने के बाद मैं जुट गई किचन के अंदर। काम बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि वापस आके घर साफ रखना या घर साफ रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनफैक्ट एक समस्या और भी थी, पीछे से आना है पेंटर्स ने, क्योंकि हमारा जो हॉल है वो पेंट होने वाला है एंड आई एम समवॉट एलर्जिक टू पेंट का स्मेल। तो फिर हमने इसीलिए अपने जो भी ओनर है उनसे बात करी थी कि हमारे पीछे पीछे से अगर ये हो जाए पेंटिंग, जो भी क्या बोलते हैं उसको, दीवारों पर जो करते हैं पेंट ही बोलते हैं ना, हाँ वो हो जाए तो अच्छा है। और यहाँ पे पूरी को आज स्कूल से उसकी सारी मतलब सारी बुक्स मिल गई जो हो रहा था। यहाँ पर क्या होता है, बुक्स जो है वो पहले नहीं मिलती, बुक्स जो है वो बाद में मिलती है, मतलब जब ईयर ख़त्म हो जाता है तब बुक्स मिलती है कि बच्चों ने ये पढ़ा, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। पूरा साल हमारे पास कुछ भी नोट्स नहीं होते, कुछ भी बुक नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि क्या चल रहा है स्कूल में, लेकिन ईयर एंड होने के बाद पता लगता है कि ओके ये हुआ है इस साल में। देखो हर जगह का अपना अपना सिस्टम है एंड अपना अपना तरीका है। फिलहाल काम ख़त्म करना है, फ्रिज की बारी आ गई है, फ्रिज करना है साफ, सारा कुछ करना है ख़त्म। ये जो एक्स्ट्रा सब्जियां हैं वो मैं देने वाली हूँ धारा को, क्योंकि ऑफकोर्स मैं क्या करूँगी, एंड वो अभी थोड़ा टाइम है यहाँ पर, अराउंड 1 वीक और है तो उसके काम आ जाएंगी। फ्रिज एकदम खाली कर देंगे, जो बनाना है वो लेकर जाएंगे, बाकी कर देंगे सफा चट हो जाएंगे। और ये सजवाइन है, नहीं राजा आज का है, और बस ये सजवाइन है जो कि ये भी यूज होने वाली है। फ्रिज बाकी बिल्कुल क्लीन है, अब करेंगे किचन साफ। ओके पूर्वित, इसी के साथ बारी फाइनली आ गई है वैक्यूम की। वैक्यूम जब लग रहा होता है घर में तो एक दिल में तसल्ली होती है कि ओके सो दिस इज़ द लास्ट काम फॉर द डे। जैसे वो कहते हैं ना डस्टिंग के बाद झाड़ू पोछा करना, तो ये दिस इज़ लाइक द लास्ट काम फॉर मी। इसके बाद मैं जाने वाली हूँ नहाने, वैक्यूम ख़त्म करने के बाद घर ऑलमोस्ट पूरा काम ख़त्म हो चुका है और ये वीडियो पूरी खराब कर रहा है पता नहीं क्यों। कर आ गई हूँ, मैंने इतना काम करा है, इतना काम करा है, कैमरे को रख दिया, पैर सो नहीं गए, पैर टूट गए पूरे के पूरे। कैमरे को रख दिया साइड में क्योंकि अगर आप व्लॉग बनाते रहोगे तो काम नहीं हो पाएगा, तो एक साइड में रख दिया। अभी मैं आपको अपना, अभी 9 बजे बाहर देखूं, हाँ बाहर अभी भी दिन है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पूरी का रूम है, ये हमारा रूम है, बाथरूम सब कुछ, हॉल एवरीथिंग। ये तो मेरे को बैग लेकर जाना है तो थोड़ा ऐसे है, एंड किचन एवरीथिंग इज पिक एंड स्पैन। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और ये हमने जो मतलब डिनर है वो पैक किया है, बाकी सब कुछ एकदम चकाचक है। और यहाँ पर हमने अपने प्लांट को भी थोड़ा सेफ करने की कोशिश करी है, बाकी सब बिल्कुल ठीक ठाक है। आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हाथ में कपड़े पड़े हैं जो मेरे को अभी चेंज करने हैं, मैं बाथरूम में ही हूँ फिलहाल, और बस इसके बाद हम निकलेंगे और एक कप चाय पीऊंगी आराम से शांति से, और फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।